हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला है, एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2.3 -1.0 2.-4। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल हुआ वो तीन पॉइंट से मिलकर के बनेगा। तीन पॉइंट हमें कम से कम चाहिए, राइट, प्लेन में, राइट। तो अब हमने मान लिया कि भाई हमारा जो ट्रायंगल है वो ये है ए बी सी। तो हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है 2.3, वी पॉइंट हमको मालूम है -1.0 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको मालूम है 2.-4, राइट, है ना। अब हमें इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहला हमारा पॉइंट कौन सा है, ए 2.3, इसको हमने मान लिया x1, y1, इसको हम मान लेंगे x2, y2 और इसको हम मान लेंगे x3, y3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉल्यूशन हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप नाम दे सकते हैं एबीसी नाम दे दिया है, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हमारा आता हाफ ऑफ हमें क्या मिलता है, यहां पर हमारा आता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ, बस आपको फर्स्ट टर्म पर फोकस करना है। अगर आप फर्स्ट टर्म को लिखना सीख गए तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। सबसे मेन क्या हमारा x1 y2-y3, बस केवल आपको इसे याद करना है, राइट। और अब हम ना साइकिल से इसको याद रखेंगे, साइकिल किस प्रकार से, देखिए हमारा पहले क्या आता है, हमारा x1, फिर आएगा x2, फिर हमें मिलेगा x3, मींस x1 के बाद x2, x2 के बाद x3 और x3 के बाद फिर से हमको मिल जाएगा x1, सेम y1 के लिए y1 y2 y3, y1 के बाद आएगा y2, Y2 के बाद Y3 और Y3 के बाद आएगा Y1। इस सिमेट्री को, इस साइकिल को आपको याद रखना है, राइट। अब जरा ध्यान से देखना फॉर्मूले को आपको किस प्रकार से लर्न करना है, याद रखना है। इसको आप याद रखेंगे x1 y2 -y3, राइट, और प्लस में हमको मिल जाएगा क्या, x1 के बाद आएगा x2, y2 के बाद आएगा y3, यहां y3 है तो y3 के बाद आएगा y1, राइट, समझ गए सिमेट्री में, साइकिल को समझ गए। नेक्स्ट x2 के बाद x3, y3 के बाद y1 और y1 के बाद फिर से y2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का। बस ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है और सारी वैल्यूज जो आपने यहां पर लिखी है उन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, राइट। तो हमारा यहां पर मिलेगा हमको यहां पर x1, तो हमारा x1 कितना है 2, x1 कितना है 2, y2 x1 हमारा 2 है और नेक्स्ट हमारा y2 हमारा 0 माइनस y3 -4, तो -4 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो -1 प्लस का हो जाएगा। अभी हम चेंज करने वाले हैं x2 हमारा -1, y3 -4, y1 3, x3 2 है हमारा, y1 3 और y2 है हमारा 0, राइट। बस हो गया क्वेश्चन, इसे सॉल्व कर लीजिए आप, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। देखिए किस प्रकार, भाई 1y2 ये हो गया 2, 0 प्लस 4 -1 ये हो गया -7 प्लस 2 ये हमारा हो गया 3, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा हाफ ऑफ 2 4 8 -1 प्लस का 7 2 3 6 और ये हमको मिल जाएगा 8 + 7 15 15 + 6 21 y2 स्क्वायर यूनिट, और यही हमें फाइंड करना है, यही हमारा क्या फाइनल आंसर।
ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके थैंक यू।